बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 10.2 जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, क्लास सिक्स का यूनिट नंबर 10 से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, ठीक है। उसमें एक जगह पे पॉइंट ओ मेंशन है, वो कह रहे हैं इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो हमने कैसे ड्रॉ करना है, हम ऐसे ही स्केल से नहीं लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वो गलत हो सकती है। तो हम पेयर ऑफ कंपसेस से हम करेंगे ताकि उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। किस तरह से करना है ये मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, बहुत आसान है। एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, ठीक है, कोई सी भी लेंथ का, उसमें हमें सेंटीमीटर नहीं बताए, ठीक। उसको हम ए और बी, दो हमारे पास यहाँ पॉइंट्स हैं और यहाँ हमें एक पॉइंट ओ मेंशन कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो बहुत आसान है। इसकी हम सॉल्यूशन साथ साथ ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट कर दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन सेगमेंट ए बी। इसका सॉल्यूशन हम राइट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है इसका। अब ये हमें गिवन लाइन है, ठीक है, ये हमें दे दी गई है। हमने क्या करना है, कंसीडर द पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ को हमने कंसीडर करना है सेंटर। कंसीडर द पॉइंट ओ एज सेंटर and draw an arc of suitable radius that will cut line segment AB, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो जगहों पे कट करती होगी, ठीक है। कट लाइन सेगमेंट ए बी एट एनी टू पॉइंट्स सी एंड डी, दैट इज। ये पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने क्या लिखा था। हमने अपनी मर्जी से कोई सी भी लेंथ की क्या कर लेनी है, कंपास को ओपन करना है, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ करनी है। और वाइट बोर्ड पे कंपासेस को कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट, स्लिप हो जाता है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने लिखा ना दैट विल कट ए बी एट एनी टू पॉइंट्स सी एंड डी। ये एक पॉइंट, इसको हम सी का नाम दे देते हैं और इसको हम डी का नाम दे देते हैं। ये दो पॉइंट्स पे उसने ए और बी को कट किया। अब हमने क्या करना है, इस सी को सेंटर कंसीडर करते हुए अपनी मर्जी से अब हमने इससे ओ सी के रेडियस से ज़्यादा वाली इसको ओपन करना है और हमने सी को सेंटर कंसीडर करते हुए पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगानी है। बिल्कुल इसी तरह हमने पॉइंट डी को सेंटर कंसीडर करना है और एक और आर्क लगानी है जो
सी वाली आर्क को कट कर दें। अब हम इसके ऊपर इन ये दो आर्क्स ने एक दूसरे को जहाँ पे कट किया इसको हम पॉइंट एल का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। अब हमने इनको इस कट पॉइंट को और इस कट पॉइंट को और ओ पॉइंट ओ को मिला देना विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। ठीक हो गया, ये हमने इनको मिला दिया है। ठीक, एल ये है एम। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप राइट करेंगे, स्टेप टू। उसमें हमने क्या किया था, सी को और डी को सेंटर कंसीडर करते हुए अपनी मर्जी से सूटेबल रेडियस की हमने इसको ओपन किया कंपास को और दो आर्क्स लगाए। तो इसको हम राइट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ऊपर वाला हमारा पॉइंट रहता है अभी लेंथ ऑफ ओ सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ डी। देखें ये बिल्कुल ओ सी ओ डी के बराबर है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी। अब हमने ये दो आर्क्स लगाई थी, ठीक है, जो एक दूसरे को पॉइंट एल पे कट कर रही है। ये हम लिखेंगे कंसीडर पॉइंट्स सी एंड as centers and draw two and one and draw two and draw two arcs of suitable radius that will cut each other उसी इक्वल है ओ डी के, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ डी। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या स्टेप किया था, सी को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगाई और डी को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगाई, दोनों ने एक दूसरे को कट किया एट पॉइंट एल। इस को अब हम राइट करेंगे consider point C and D as centers and draw two radius draw two arcs of suitable radius which will cut each other at point L, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट L पर क्या करेंगी,
कट करेंगी। ज्वाइन पॉइंट एल विद एम। With point O, that will give a perpendicular to the given line segment. The line, अब ये हमने O को टच करते हुए लाइन को इतना नीचे हम ले आए कि एक पॉइंट, मतलब उसको हमने कट करते हुए लाइन को नीचे लाना था, और जो कि हमारे पास बन गई है एल एम। ठीक है, एल एम इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ठीक, क्या लिखेंगे हम इसका रिजल्ट? द लाइन एल एम is the required perpendicular. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, बहुत इजी है। आप लोग स्टूडेंट्स मोस्टली क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कोई परेशानी वाली बात इसमें क्या होती है, कोई भी नहीं होती। आपने क्या करना है, जस्ट जो स्टेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसी को आप अपने वर्डिंग में राइट करते जाएंगे। एक क्वेश्चन करेंगे मुश्किल लगेगा, दूसरा करेंगे, लेकिन जब आप ये फोर पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगती। आपको बल्कि खुद से नेक्स्ट पॉइंट आने लग जाता है कि अब मैंने ये स्टेप लिया तो इसको मैं इस तरह से राइट करूंगी, अब ये स्टेप किया तो इसको इस तरह से राइट करूंगी। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आप अब जियोमेट्री करते दौरान आप लोगों ने ना अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। किस हवाले से? ज्योमेट्री के हवाले से। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ज्योमेट्री बॉक्सेस लेकर दें हमें, ऐसा होगा तो वैसा होगा, टीचर ने कहा है सुबह लेकर आना है। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, मेरी बेटी का भी ऐसे था, उनका ज्योमेट्रिकल पोर्शन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने रात ही रात, मैंने तो लेकर जाना है, सुबह लेकर जाना है। मैंने जितना समझाया, बेटा आपको सिर्फ एक पेयर ऑफ कंपास चाहिए, आपको प्रोट्रैक्टर चाहिए और स्केल चाहिए अच्छा सा। नहीं मम्मा, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना है। तो ये कंपलसरी नहीं होता। आप लोग अपने पेरेंट्स को तंग मत कीजिएगा। एक अच्छा सा पेयर ऑफ कंपासेस होना चाहिए आपके पास, स्केल होना चाहिए और एक प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, दैट्स इनफ, आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाकी के थ्री पार्ट्स आप करें, प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो दिल में आए कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट होगा तो खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।